बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बहुत ही आसान, डिलीशियस और बिल्कुल सिंपल थ्री और फोर इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये चिकन कटलेट्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है और 3 से 4 बोनलेस चिकन पीसीस ले लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है थोड़े से पानी के अंदर। अब इसमें मैं नमक और काली मिर्च, बिल्कुल पिंच ऑफ नमक में, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने हसबे ज़रूरत नमक और काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च को शामिल कर दी है। अब इसको जब तक बॉयल नहीं आ जाता और ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, हम थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है और मैं अपने चिकन की साइड चेंज कर रही हूँ। आप चिकन को सेपरेट भी बॉयल कर सकते हैं और पोटैटो को सेपरेट बॉयल कर सकते हैं, और अगर आप कंबाइन इकट्ठे ही बॉयल करना चाहें तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं कंबाइन भी, क्यों इसका स्टॉक जो है वो इसी में रहेगा और बहुत अच्छे लजीज उम्दा किस्म के चिकन कटलेट्स हमारे लिए तैयार होके सामने आ जाएंगे। ये डिश जो है बच्चों के लिए, किड्स के लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए ये एनर्जेटिक है, हेल्दी है, बच्चों के लिए आप उनको बना के दे सकते हैं, और ज़्यादा स्पाइसेस की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा चीज़ों की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, और जो बेस्ट अवेलेबल आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं घर में उनसे हम उनको यूटिलाइज़ करते हुए हम चिकन कटलेट्स आज बनाएंगे, और बहुत ही आसान, बहुत ही लजीज सिंपल रेसिपी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम हमारे जो आलू हैं और जो चिकन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और अब इसको मैं छोटा छोटा मैश कर लूँगी। ठीक है, साथ में मैंने कैरेट यहाँ पे चॉप की है छोटी छोटी, और एक अनियन मीडियम साइज़ का लिया है वो चॉप कर लिया है। ग्रीन चिली अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल ग्रीन चिली यूज़ ना करें। और यहाँ पे मैंने दाल जो है अपनी वो उबलने के लिए रख दी है, ये चने की दाल है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, और ये जैसे ही सॉफ्ट हो जाती है इसको भी मैं इसके साथ आलू के मिक्सचर के साथ मैश कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलू और जो दाल है वो बिल्कुल मैश कर लिए, और जो चिकन है उसको छोटा छोटा मैंने श्रेड कर लिया। अब ये चिकन मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। अब एक फ्राई पैन में हल्का सा 1 to 2 टीस्पून ऑयल ले लूँगी, और इसमें जो कैरेट है वो सॉटे कर लूँगी। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर भी आप शामिल करते हैं इस पॉइंट पे। गाजर को 5 मिनट कुक करने के बाद इसमें मैं अपने अनियंस और जो ग्रीन चिली काट के रखी थी वो शामिल कर दूंगी। 5 मिनट्स कुक करके इसमें मैं डार्क सोया सॉस, मेरे पास अवेलेबल है इस वक्त, आप जो भी सोया सॉस आपके पास अवेलेबल हो उसका 1 टीस्पून आप शामिल कर दें।
गाजर को आपने ना ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल खड़ा खड़ा रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी। इसका जो रॉ टेस्ट है वो अपना अपने ही फ्लेवर का है और इसमें अपना फ्लेवर होगा और बहुत ही लजीज फ्लेवर आएगा इसका। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अनियंस को, कैरेट को और ग्रीन चिली को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं। अब इसी मिक्सचर को अब हम अपने जो आलू मैश करके रखे थे, दाल और चिकन श्रेड करके रखा था, इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इस तमाम मिक्सचर को हम कंबाइन करके इसके छोटे छोटे हम कटलेट्स बना लेंगे। आपने देखा होगा जो कैरेट है मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चॉप की थी। अगर आप बड़ी करेंगे चॉप, बड़े साइज़ की रखेंगे तो उसका टेस्ट अलहदा आएगा और वो अच्छी भी नहीं लगेगी, इसमें टेस्ट नहीं आएगा इसका। इस पॉइंट पे आप अपना ब्लैक पेपर और सॉल्ट, आपको अगर कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में ही बनाए हुए हैं, जो आपके पास अवेलेबल हों आप उसके 2 टीस्पून ऐड कर दें एज अ बाइंडिंग एजेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो कटलेट्स हैं छोटे छोटे तैयार कर लिए हैं। इसकी शेप आप कोई भी दे सकते हैं, अगर आप रोल्स बनाना चाहते हैं तो आप इसके रोल्स भी बना सकते हैं। और ये हेल्थ और न्यूट्रिशनल वाइज ये बहुत बेनिफिशियल है, रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इन कटलेट्स को हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल ही हसबे ज़रूरत ऑयल के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून। आप देख सकते हैं इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप ये बना के अपने फ्रीज़र में भी स्टॉक बना के रख सकते हैं बच्चों के लिए, और जब बच्चों का दिल करे आप उनको फ्राई करके दे दें। ये रेसिपी आप ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़े भी इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। इन कटलेट्स को आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑयल बिल्कुल सोक कर लिया है कबाब ने, कटलेट्स ने, और बिल्कुल ऑयल नहीं। अब इसी मीडियम आंच पे फ्लेम पे मैं इसको लाइट ब्राउन होने दूंगी और बहुत ही केयरफुली इनको टर्न करूंगी। और ये आप कभी भी बना के इंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ। कभी आपके घर गेस्ट आएँ आप उनको ये रेसिपी बना के दें तो ये काफ़ी उम्दा अच्छी रेसिपी है, और न्यूट्रिशनल वाइज तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आई होप आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आ रही हैं, आप ट्राई कर रहे हैं और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर रहे हैं। और इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, और मुझे आप अपने फीडबैक से भी आगाह करें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।